नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में सीओ कसिया कुंदन सिंह के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में मुखबिर की सटीक सूचना पर कसिया पुलिस में गोपालगढ़ तिराहे पर अवैध शराब के साथ एक बोलेरो और एक स्कॉर्पियो की चेकिंग की गई, जिसमें दोनों गाड़ियों पर 35 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। मौके पर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। और गिरफ्तार अभियुक्त मासूम रजा निवासी लोहरपट्टी थाना थावे जिला गोपालगंज, राजेश राय निवासी मतमा थाना कुचायकोट जिला गोपालगंज बिहार, संतोष राय निवासी जयतीपुर थाना लालगंज जिला गोपालगंज, राजू राय निवासी सराय वार्ड नंबर 2 थाना एवं जिला गोपालगंज बिहार के रूप में इनकी सब्स की पहचान हुई। कसिया पुलिस ने सभी को देवरिया जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसी के क्रम में कल शाम को कसिया पुलिस ने यहीं गोपालगढ़ तिराहे से सूचना मुखबिर सूचना के आधार पर दो गाड़ियां पकड़ी थी, एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो। सूचना थी कि इसमें से कुछ अवैध शराब लेकर के ये लोग बिहार लेकर के जा रहे हैं। जब इनको नोट करके इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कोई वैध इनके पास नहीं थे और जाँच के क्रम में इनके गाड़ियों से 35 पेटी जो है सो शराब बरामद हुई है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें गिरफ्तारी के बाद इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? इसके लिए हम लोगों ने जो सूचना के आधार पर जहाँ पे भी ऐसी सूचना मिलती है हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और इसके अलावा भी जो पुलिस की टीमें बना करके जो गश्त और पेट्रोलिंग करते हैं उसमें इन सब चीज़ों को हम लोग नज़र रखते हुए इस हिसाब से जहाँ भी सूचना होती है छापेमारी की जाती है, चेकिंग वगैरह की जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।